नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने वाली हूं। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगातार जो आजकल मीडिया में चर्चा जिन मामलों पर हो रही है, लव जिहाद वो एक मामला है, लेकिन जब हम इस मामले पर चर्चा करते हैं तो जो रिलीजियस स्कॉलर है मुस्लिम समाज के, वो सीधे इसको डिनाई कर देते हैं कि ऐसा तो कोई चीज ही नहीं होती और ये मीडिया और कुछ हिंदू आउटफिट्स का बनाया हुआ एक मुद्दा है जो कि हकीकत से जिसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये हमें देखने में नजर आता है कि ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी हमें अक्सर इस तरह के केसेस सामने आते रहे। भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अन्य मुल्कों में भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं। इसी पे आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑथर कॉलमनिस्ट तारिक फतेह साहब। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैंने भी लव एक बार जिहाद फिर से सर नमस्कार। रशीदी साहब को मेरे नमस्कार करने का बहुत बुरा लगा था। हाँ ये कि इसमें खैर वो अलग बहस है पूरी, लेकिन बड़े बदनसीब लोग हैं। नमस्कार कहें तो वो कहें कि आपने क्या कह दिया मुझे, पता नहीं इनको क्या झूठी मारे तो उससे आसान होगा गाली दें, आदत होगी गालियां सुनने की ना, तो जाने दें मिट्टी डालें। जी मैंने अच्छा कहा सर, मेरा सवाल, जी सर मैंने भी लव जिहाद किया था तो जी, आपने बताइए, सर हमारे हमारी शिया औरत को आप लेके अपने उनको सुन्नी बना दिया है। ठीक है ना। और वो भी वो शिया जो अपने आप को जो वहां से आए थे मिस्र से, यानी 12th सेंचुरी के अंदर इनको जब भगाया गया सलाउद्दीन अयूबी ने मिस्र से, तो ये मारे मारे यमन तक पहुंचे, उसके बाद इनको कोई जगह नहीं मिली तो ये आए गुजरात। इसीलिए सारे ये दाऊदी बोरा जो है ये गुजराती बात करते हैं, कुछ है वहाँ हैदराबाद में जो सुन्नी बोरी कहलाते हैं जी वो घुल मिल गए उस साइड में। बट ये कोई ऐसा नहीं कि आसानी से शादी हो जाए किसी की, दुनिया आई नो भर की दुल्हन हंसते हुए जाती है, जी हमारी बदनसीब दुल्हनें जो हैं वो आंसू बहाती हैं, गाने भी उनके वही हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आपने सही कहा। इस मुद्दे पे मैं आपसे कई इंपॉर्टेंट सवाल है वो करूंगी, लेकिन जो आज का मौजू है मैं उस पर आपसे बात करना चाहती हूँ। जी। क्योंकि भारत में सर लगातार अगर हम पिछले एक डिकेड से ज्यादा से देखें तो भारत में ये जो लव जिहाद के मामले हैं वो उठते रहते हैं। और केरला से इसकी शुरुआत हुई थी, मास कन्वर्जन क्रिश्चियन लड़कियों का हुआ था जिसमें 17,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए थे, और उसके बाद से ही लव जिहाद की जो टर्म थी वहां से निकली थी। जी लेकिन बात यह है, और जो जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट है भारत की उसमें केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप सब देखते हैं और अपने अलग अलग मुल्कों में देखा है और आप जानते हैं इस सारी हकीकत को, तो आपको क्या लगता है कि लव जिहाद है या ये सिर्फ हिंदू आउटफिट्स का बनाया हुआ, मीडिया का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है? नहीं, ये हो तो रहा है। देखिए अब मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं। अगर एक समझे बच्ची है सुन्नी मुसलमान है फॉर एग्जाम्पल, और वो अपनी कम्युनिटी के अंदर उस पर पाबंदी है, वो तो देखी नहीं जा सकती, उसको लव जिहाद क्या, ना जिहाद और ना लव, उसकी जिंदगी है पराठे बनाने की, किचन में खाने बनाने की, सुबह मियाँ के लिए नाश्ते बनाने की। इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि दुनिया भर की दुल्हन हंसते हुए जाती है, ये मुसलमान की जो बेटी है ये रोते हुए जाती है, और ना रोए तो पीछे से मां मारती है कि रो के दिखाओ, ये तो रोने का मुकाम है। तो ये इट हैज टू बी स्टडीड कि ये इसको इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनकी बेटी खुश हो। पहली तो बात ये है, लव जिहाद जो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है वो दो एक मर्द और एक औरत की मर्जी के मुताबिक हो रहा है ना, कोई ये तो नहीं है कि बाहर से फौज आ गई उसकी तैमूर की और लड़कियां उठा के ले गए, नहीं ये तो और मैं एक और इंसेंटिव बच्चियों का ये है कि इफ दे आर डेटिंग और गोइंग आउट विद समवन तो उनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर तो नहीं बात फैलेगी। अगर आपने किसी एक मुसलमान लड़की है और मुसलमान लड़के से प्यार करती है या उसके साथ घूम रही है, शी इज अ टीन एजर, वो तो 15 मिनट में फैलेगी बात,
कोई ना कोई आके बताएगा, अरे अपनी बेटी को संभाल भाई, चौधरी क्या कर रही है तू, देखो लड़की आवारा हो गई। लेकिन इफ शी इज गोइंग आउट एंड डेटिंग विद क्रिश्चियन और अ हिंदू और अ सिख, दी चांसेस के वो बात फैले विद इन द कम्युनिटी गोज टू जीरो। Absolutely. लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो भारत में केसेस आ रहे हैं ना लव जिहाद की, जैसे कि अभी 24 दिसंबर की बात करते हैं, यूपी के लखीमपुर खीरी का एक केस आया जिसमें आसिया फातिमा, जो कि उसका बदला हुआ नाम है मुसलमान बनने के बाद, वो पहले हिंदू महिला थी, उसकी शौहर ने उसको इलेक्ट्रिक्यूट करके घर के बेडरूम में दबा दिया, मार डाला, और 24 को ही छत्तीसगढ़ में एक लड़की थी नील कुसुम, उसको उसके पति ने उसको उसको मार डाला। तो इस तरह के केसेस हर दिन आ रहे हैं जिसमें पहले पहचान छुपाई जाती है, फिर उस लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, और साथ में जो अब मरती उनकी लड़कियों की जिंदगी का अंत हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसको किस तरह से इनकार किया जा सकता है। देखिए, चाहे वो कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो, औरत की किस्मत में पिटना है, चाहे वो यूरोप में हो, जापान में हो, कहीं पे भी हो, वो चीन में हो, हिंदुस्तान में हो, औरत को मर्द के बराबर समझा ही नहीं गया। तभी तो मर्द चार शादियां कर सकता है और औरत एक ही करती है। एक इम्बैलेंस, ये जो बड़ा कहते हैं हम इस्लाम के अंदर, ये सब भूल जाइए। वुमेन इज अ वीकर फिजिकली कंपेयर्ड टू मेन, एंड देयरफॉर थ्रूआउट ह्यूमन हिस्ट्री मेन हैव कंट्रोल्ड द डेस्टिनी ऑफ वुमेन। ये उसका एक्सटेंशन है। अब उसके अंदर झूठ डाल के ये करके कर, अब आप बीवी की पिटाई करना इतना आसान है, देखा थप्पड़ तो पड़ ही जाता है जिंदगी के अंदर, के बाहर तो नहीं कर सकते हो। जिन सोसाइटीज में इंटरनेशनल रिकग्नाइज ह्यूमन राइट्स हैं, वहां तो गया असॉल्ट के चक्कर में, वो बंद होगा, कोई हाथ नहीं उठा सकता। डोमेस्टिक असॉल्ट के अंदर पुलिस घर पे आके औरत की पहले सुनेगी, बाद में मर्द की सुनेगी। तो जिन सोसाइटीज में इक्वालिटी आई है वो बाय लेजिस्लेशन आई है, इसलिए नहीं कि वहाँ औरतें जो हैं उनको सडनली उनकी फिजिकल पावर बढ़ गया। नो, इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर इक्वल, देयरफॉर देयर वर्ड काउंट्स द सेम वे एज द हस्बैंड। अब जहाँ डोमेस्टिक अब्यूज है, वेस्ट में भी है, लेकिन इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। एक औरत के कंप्लेन होने पे गया आदमी काम से, क्योंकि उस औरत के कंप्लेन को आप डिसमिस नहीं कर सकते। यहाँ तो लड़की को ब्लैकमेल इसमें कर देंगे कि वो तो आवारा है, उसका तो यार है एक और, ये तो आपको साहब मैं क्या बताऊं, घर की बात है, चुप रहने दे, जबान पे ताले लगे हुए, इस टाइप की नॉनसेंस करके पिटाई विटाई हो जाती है। आप सिर्फ ये देखिए, इसका इलाज है इफ सोसाइटी परमिट्स यंग मेन एंड वुमेन टू मेक देयर ओन डिसीजंस। यहाँ तो इजाजत ही नहीं है। तो आप जब कम्युनिटी से बाहर किसी के साथ उठना बैठना करेंगी तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान ये होगी कि आपके बारे में स्कैंडल नहीं होगा, वरना तो खैर इंडिया में इज फार अहेड देन द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया इस मामले में, बट फिर भी यहाँ पे भी हमें नज़र आते हैं जो फैमिलीज हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से आई हुई हैं, उनका यही मसला होता है। औरत की प्रोटेक्शन किसी तरह वो बस संभाल के रखो, क्योंकि वो माल ख़राब हो जाएगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट कि जैसे स्टोरेज में रखा हुआ है तो इसको कीड़ा ना लग जाए, क्योंकि ये तो बाद में बेचनी है जाके कहीं और। और बच्चियों को किस तरह ले जा के उनकी ज़बरदस्ती शादियां की जाती हैं, ये भी आई हैव सीन पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, कि जाती हैं खुश खुश बच्चियां, मुरझाई हुई वापस आती हैं, किसी कज़न वज़न से शादी हो जाती है, और फिर वो आके चेक करता है बस में किसके साथ बैठी हुई थी तू। अरे भैया, यहाँ तो हर कोई बस में इधर उधर साथ बैठते हैं, तो ये थोड़ी होता है कि साहब मैं आप मेरे साथ ना बैठे, मेरा आपका वो रिश्ता नहीं है कोई, एक झांपड़ पड़ जाएगा सब सीधे हो जाएंगे। तो द विमेन, यहाँ की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर मोर एम्पावर्ड के इंडियन पाकिस्तानी बच्ची को तो पता है सोसाइटी क्या है, जो उसका इम्पोर्टेड हस्बैंड आता है उसको तो कुछ नहीं पता, तो नौकरी मुश्किल से मिलती है उसे,
एंड ही हैज टू स्ट्रगल, उसकी ईगो हर्ट होती है, तो बात उधर ही लेके जाएंगे जो लव जिहाद का है. आई थिंक देयर इज अ बिल्ट इन इंसेंटिव टू नॉट टू गेट आउट ऑफ द कम्युनिटी. इट इज लेस ऑफ अ प्रॉब्लम कि अगर एक मुसलमान बच्ची है एंड शी इज गोइंग आउट और डेटिंग और लिविंग विद से हिंदू और अ सिख मैन, शी इज लेस एक्सपोज टू हार्म देन इफ शी इज विद इन द कम्युनिटी. तो आपका अपनी पूरी कम्युनिटी को एक रेनेसांस से गुजारना होना होगा कि औरतों को भेड़ बकरियों की तरह ना समझें, इंसान समझें, तो उनके राइट्स हैं. बेटा, मेरा सवाल जो है और जो डेटा है वो मेरा कंसर्न ये है सर, जो केसेस आ रहे हैं जिसमें होता ये है कि मुसलमान लड़का नाम बदलकर वो बन जाता है अब्दुल से राजू बनकर या राहुल बनकर, वो एक हिंदू लड़की को टारगेट करता है. ऐसे मामले बहुत ज्यादा हैं, हजारों लाखों केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिसको भारत में डिनाई किया जाता है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता. तो मेरा सवाल ये था आपसे कि आपको भी लगता है कि लव जिहाद कुछ नहीं है या जो लड़कियों को धर्म परिवर्तन? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना उस लड़के को पता है जिहाद होता क्या है, ना उसे लव का पता है. ये आई चैलेंज दिस होल नोशन. दिस इज अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ अ यंग एडल्ट मेल के ही नीड्स टू बी इन द कंपनी ऑफ अ फीमेल एंड उसके अंदर इतनी पाबंदियां हैं कि मुसलमान बच्ची के साथ तो वो हाथ भी नहीं मिला सकता. हाथ पीछे ही रहता है, कभी आपने देखा ही नहीं होगा. तो फिर सर उस लड़की को जो जो वो जो बहुत लिबरल है, जो फ्री है, उसके साथ वो रिश्ता बनाता है, फिर उसको मुसलमान बनाना क्यों बनाता है? अरे उसका मामा भी है, चाचा भी है, बाप भी है, ऊपर से अल्लाह मियां बैठे हुए हैं, नीचे शैतान है. एक मुसीबत थोड़ी है मुसलमान होने के लिए, 10,000 लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि आप, क्योंकि मुसलमान को अगर कुफर का इल्जाम लग गया तो वो तो गया काम से, उसकी तो डेथ है. डेथ पेनल्टी अलाउड है शरिया के कानून में. अगर कोई मुसलमान को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो काफिर हो गया है तो खत्म, ही इज थीबियो, ही हैज टू बी किल्ड. ये शायद आपको ना पता हो और इसमें बेतहाशा लोग मारे भी गए हैं. फॉर द इनोसेंस ऑफ जस्ट बीइंग इन लव विद समबडी एल्स एंड देन नॉट हैविंग द एबिलिटी टू मैरी दैट पर्सन. सो ये कहां का आप बता रहे हैं, कहां की बात बता रहे हैं? ये जो हिंदुस्तान की बता रहा हूं मैं, ये पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में ये है. वर्जिनिटी गार्डियंस हैं ये, तो माँ बाप बैठे हुए कि किसी सूरत वो लड़की, आप वहां देखिए इजिप्ट के अंदर 100% फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्यों हो रही है. दे आर इन अ सिचुएशन कि दे डू नॉट वांट द फीमेल जेंडर टू हैव एनी सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर. उसका इलाज उन्होंने ढूंढ लिया, उन्होंने कब 5 साल की बच्ची को वैसी अब FGM कर दो, खत्म. 1,000 साल से चला आ रहा पूरा इजिप्ट के अंदर, देयर इज नथिंग. सोमालिया सेम थिंग, ये अरब सोसाइटी के अंदर कि आपने उसको, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट. ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी जाके करते हैं वो FGM. अरे अमेरिका में तो वो शिकागो में तो औरत को सजा हुई है कोर्ट में, उसने दुकान लगाई भी थी. अब उन माँ बाप का सोचिए जो बच्चियां लेके जाते हैं, के कंट्रोल में रहेगी नहीं बच्ची, वरना खाजा साहब लड़की खराब हो जाती है. अमेरिका है ये, खराब हो जाती है ये. कोई इतनी सारी बच्चों की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत भी हुई है. अरे भाई, इट इज नॉट इवन अ क्वालिफाइड फिजिशियन हु डज दिस. ये मासियां आती हैं इंडिया पाकिस्तान से, स्पेशल सोमालिया से, जिनका फिर लोकल अखबारों में इश्तिहार आता है कि लड़कियां पाक करा लो और ये सब. ये हमारे बैकयार्ड में हो रहा है, नॉन मुस्लिम को पता भी नहीं कि हमारी बच्चियों के साथ क्या जुल्म हो रहा. तो वो अलग लेके चलेंगे कि ये अजीब जानवर लोग हैं, अपनी बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं. अपना करा लेना, मर्दों का मसला है तो मर्द अपना कुछ इलाज कराएं. पूरे लव जिहाद जैसे इस मुद्दे को बात करते हैं तो हमें ग्लोबली देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म की लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके साथ रिश्ता बनाया जाता है,
या पाकिस्तान में तो हमें दूसरा ही देखने के लिए मिलता है कि जो माइनॉरिटी लड़कियां होती हैं उनको उठा के अगवा करके रेप करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो पहले ही हो और जाता है केस, चाहे कुछ लव नहीं, जिहाद जब हो ना। जब ये सर पूरे ही हमें दुनिया में देखने के लिए मिल रहा है तो इससे इनकार क्यों किया जाता है, क्यों एक्सेप्ट करके झूठे इससे हम, आगे। झूठ बोलना हमारी एक पहचान बन गई है। हम कलमा क्या पढ़ते हैं और हरकत क्या करते हैं, 5 साल के बच्चे से बकरा कटवाते हैं और फिर कहते हैं कि उससे असर थोड़ी होता। अरे 5-6 साल का बच्चा चाकू चला रहा है बकरे के ऊपर, दैट्स योर होली डे, हज के दूसरे दिन। अरे खुदा का खौफ करो, पैसे दे दो किसी को बकरे का, अब उसका क्या कसूर है? बच्चों को क्यों चाकू छुरियां दे रहे हो? और प्यार से बुलाते हैं, अरे मुन्ने आ जाओ, बकरे की ज़बह हो रहा है, वो भी भागा बात है। अच्छा, यहाँ छुरी चला दे बेटा। आप सोचिए, एज अ किड यू आर सीइंग ब्लड कमिंग आउट ऑफ द नेक ऑफ एक बकरा जिसको आपने कोई 1 महीना साथ लेके घूमे आप। मैं तो बहुत रोती थी और दूर चली जाती थी जब बकरा कटता था, मुझे बहुत आप बुरा लगता सोचिए कि पहले उस पे मेहंदी लगाई जाती, बकरे को सजा के उसको सौंफ खिलाया जाता है। मुझे तो बाद में पता चला कि सौंफ खिला रहे हैं ताकि गोश्त इसका अच्छा हो। था। अच्छा यानी इमेजिन कि बच्चे से पहले उसको सौंफ खिला रहे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, कि इसका गोश्त नरम होगा, ऐसे होगा, हमें क्या पता। फिर एक दिन पता चला घर के सामने बकरा कट रहा है, आ मुन्ना आ जाओ बेटा, कट रहा है, छुरी, एक छुरी तू भी मार दे। और बच्चे बड़े खुश, हाथ में चाकू। हम इफ वी कांट चेंज आवर सेल्व्स वी हैव नो फ्यूचर। ये बताऊं, जब इबादत का तरीका खून रेजी हो, ये दुनिया में कोई हालत है? मैं आपसे कहूं, मैंने 78 में हज किया, मैं 3-4 मील मरे हुए जानवरों की बहती हुई गंदी लाशों के ऊपर से चल के जाना पड़ा, क्योंकि देयर वाज नो वे आउट। बकरा काटा, ऊंट काटा, गाय काटी, वहीं डेड बॉडी। वहां कसाई बैठा होगा कि जरा चांप ठीक बनाना, भाई पागल हो गए, खटाखट खटाखट। अब जाके सऊदियों ने सिस्टम किया है कि यू यू कांट डू दैट। 78 की बात कर रहा हूं, मील दर मील मरे हुए जानवर पड़े हुए। आपने बकरा क्यों? गाय जिबा की, अब भैया कहाँ लेके जाओगे वो गाय को, घर लेके आओगे क्या? तो वहीं जिबा किया, वहीं फेंका, वहीं फिर से धोए वोए। अल्लाह मियाँ तो खुश हो जाते हैं कि तूने एक और बकरे का कत्ल कर दिया, ये हमारी बिलीफ है, जानवर मार दिया। अरे भैया, वो जिनके धर्म में ये था, यहूदियों के, जो जहाँ से शुरू हुआ कि हजरत इसहाक को कहा गया कि इसकी जो कहावत है कि अपने बेटे को ज़िबा करो अगर तुमने बताया, और वो बेटे की जगह दुम्बा आ गया, एंड ही रिप्लेस्ड, उसी को यहूदियों की कस्टम को मुसलमानों ने कॉपी किया है ना। तो हमने कहा कि वो इसहाक नहीं थे, वो उनके भाई इस्माइल थे, इसीलिए यहूदी हमें इस्माइलाइट्स कहते हैं। तो ये दो, एक बेटा सगी माँ का और दूसरा बेटा अपनी कॉन्क्यूबाइन का, जो हजरत इस्माइल, जो जिससे इस्लाम फैला है आगे, जिसका ओरिजिन है। शी वॉज नॉट अ वाइफ, शी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ इब्राहिम। तो अब ये सारी खैर दूसरी बातें हैं, बट वी आर फॉलोइंग दैट पाथ। और वो हिंदुस्तान में बैठ के, जहां का कोई कस्टम ही नहीं है कि बकरा काटना हो। और गाय काटना तो मसी मना है मुसलमानों को, हदीस है कि ये जानवर मैंने पैदा किया है दूध के लिए, इसको जिबा मत करो। अब यू इसीलिए आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज में गाय को जिबा नहीं करते, बकरा मोस्टली होता है, लेकिन इंडिया में शौक है। अरे भैया, इससे तो हिंदू तंग, उसको जरा दुख होता है तो हम तो करेंगे ना, रिलीजियस राइट है हमारा। अरे भाई, उस गाय को छोड़ दो, आजाद कर दो, तुमने कुर्बानी देनी है ना, तो वो पैसे दे दो किसी गरीब को।
सर, पाकिस्तान का एक केस है कल का जो कि मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि एक 40 साल की हिंदू औरत जो कि विधवा जी थी और 4 बच्चे थे उनके, मजदूर औरत थी, गरीब महिला, उसको इतनी बुरी तरह से मारा, शी गॉट स्किन, उसके ब्रेस्ट काट दिए, फेस डिसफिगर्ड कर दिया, इतनी बेरहमी, इतनी नफरत पाकिस्तानों में जो हिंदू और क्रिश्चियन और सिख महिलाएं हैं उनके प्रति अक्सर देखने के लिए मिलती है, और कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंसाफ नहीं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? भाई, आपके कानून इस्लामिक कानून में है, किल देम स्ले देम वेर यू फाइंड देम। तो ये तो मुकाम वो है कि जहां सोचना पड़ेगा, जहां लोगों को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि क्या कर रहे हैं हम भाई। लेकिन फिर वो सलमान रुश्दी वाला हशर हो जाता है लोगों का कि उनको मार देंगे। वो तो जाके एक ऐसे बंद, आखिरी जो हमला सलमान रुश्दी पे हुआ है, वो लड़का तो उसकी माँ अमेरिकन थी, वो कभी मुस्लिम वर्ल्ड में रहा नहीं, एक दफा गया जनूबी लबनान, उसी में तबाह हो गया। उसने आके आंख के अंदर चाकू डाल दिया। और रुश्दी साहब वहां एग्जाइल्ड राइटर्स को बता रहे थे कि कैसे लिखते, हाउ टू सरवाइव एज न्यू राइटर्स इन अमेरिका। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता साहब, ये यानी अकल की बात नहीं, हम बर्दाश्त करें, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, मार दिया उसे। नहीं, एक कत्ल कर रहे हैं और वो हीरो है। अब खैर उसको जाने दें, हम तो औरंगजेब को नहीं मानते हीरो। बिल्कुल, रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, हाँ, और वो कत्ल किया उसने, अपने भाई का सर बलि काट दिया और ठुड्डे माए मार के बाप अपने जी का बाप तो जिसको पूरे जेल में खानदान बंद को किया। देखना डाला। इट्स टू मच। आपको एक मुसलमान नहीं मिलेगा जिसका नाम हो दारा शिख हो। एक आप मुझे बता दीजिए, एक पहलवान थे पाकिस्तान में एक जमाने में, पार्टीशन से पहले, वो भी दारा पहलवान नाम, तो दारा नाम का मुसलमान पूरे इंडिया में आपको कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी कहते, क्या कहते हैं, जी, नहीं कश्मीर मिलेगा। से कन्याकुमारी सर, हाँ, और हमारे यहाँ, हमारे तरफ अमरोहा में बहुत सारे लोगों के नाम दारा है, मुसलमान हमारी तरफ लोग अच्छा हैं। दारा हैं, चलो बचा दी, बच गए। हाँ, वो भी शायद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ शिया कम्युनिटी में है कई सारे लोगों का नाम दारा है, तो अच्छा हाँ, वो उसमें शिया सुन्नी का भी मसला था, क्योंकि जी औरंगजेब अंकल जो थे उनको ये यकीन था कि शिया मुसलमान ही नहीं होता, ये सोच जो, इसीलिए शियाओं को आप शायद पता हो कि सिवाय हिंदुस्तान के कहीं पनाह नहीं मिलती थी। Absolutely. क्या हो गया हमारा, हमें अब आज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, दो दो तीन तीन जमाने तो हर बोल रहा है पढ़ा लिखा मुसलमान, वो कुछ पढ़ता ही नहीं है, उसकी कॉमन सेंस में नहीं है कि दिस इज नॉट द वे टू बिहेव इन अ सोसाइटी वेयर द ब्रेन हैज टू बी यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स। अब अभी तक चाकू छुरी डंडा फसाद, बीवी को मारना, बच्ची को भगाना, इसी में लगे हुए। कह रहे, क्योंकि आप जितनी कोशिशें करते हैं उतनी ही सारी उसकी बरक्स चीजें नजर आती हैं, होती हुई है, तो ऐसा लगता है कि ना सारी सिर्फ कोशिशें नाकाम हो रही है। आप सोचिए कि एक कोई एक्स मुस्लिम है, उन्होंने कहा, कह रहे ये तो झूठा, यानी वो इस्लाम छोड़ने के बाद भी हिंदुओं से नफरत नहीं जाती उनके, वो कहीं आई नो ऑस्ट्रेलिया सर, ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम में। ये है कि सर लोग जो है वो इस तरह की बातों को जरा जल्दी से उनको एकदम से खुश होके उन लोगों को बड़ा सपोर्ट करने लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो बहुत बड़ा इसके पीछे का खतरा है या इसके पीछे जो झूठ है वो नहीं समझ पाते हैं। अरे वो ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने कहा अरे ये तारिक पता क्या झूठा, ये तो लाखों डॉलर कमा रहा है, रा कहते हैं ना पाकिस्तानी रॉ को, वहां से ले रहा है, ये तो बहुत पैसे बना गया। आई विश ही वॉज समवेयर हियर, तो मैं जरा कम से कम कानूनी काम ही करता। लेकिन दे गेट अवे बाय सेइंग दैट, उनको उनके जहन में नहीं आता कि अगर कोई कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान इसलिए कि यहाँ हिंदू रहते हैं, तू बाद में आया है, जिसके घर में आया है उसको थोड़ी तो इज्जत दे दो, ये तो नहीं कि सर, वो हिंदुस्तान से आपने उसके कहा जो कि हम स्टार्टिंग में बात करते थे, जब मैंने आपको नमस्कार किया था, और मैं हमेशा ही, हमेशा से एक ही मेरा ग्रीटिंग है, मैं नमस्कार ही करती हूँ, चाहे टीवी डिबेट पे हूँ या मैं अपना कोई डिस्कशन कर रही हूँ। तो सर, जब हम इस देश में रहते हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान हो या कहीं भी किसी भी कंट्री की हम बात कर लेते हैं,
तो उस देश का, उस कंट्री का जो कल्चर होता है वो सबके लिए होता है। धर्म हमारा एक पर्सनल एक अफेयर होता है कि हमें क्या जी धर्म फॉलो करना है। तो भारत में मुसलमानों को भारत की कल्चर से ऐसा क्या कोफ्त है, ऐसे क्यों करंट क्यों लग जाता है अगर हम बिंदी लगा ली या नमस्कार कर लिया, ये क्या है? ये समझते हैं कि ये इनका मुल्क है और ये हिंदू कहां से आ गया हिंदुस्तान। जो घुमंड यूपी और बिहार के उर्दू बोलने वाले मुसलमान का है, आपको ये बंगाल या पंजाब पाकिस्तान में या जो पश्तून लोग हैं उनमें नहीं मिलेगा, ना सिंध में मैंने कभी ये सुना। ये सिर्फ आता है ये आपके वो मुगलई सल्तनत के बादशाह सलामत, ये उर्दू जबान की मनहूसियत है। मैं कहूँगा कि ये गजल वजल नहीं होती और शायरी, इट इज अ वेपन इन विच एवरीबॉडी एल्स इज कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड। अरे उर्दू मान, और जहां बहस की वो शेर सुनाता है आपको, वो हाँ सर जी, मैं पता है आप क्या, टीवी डिस्कशन में इतने सारे लोग आते हैं जिसको देखो हर बीच में ओपिनियन देते हुए शेर सुनाता है, शेर बड़ा सुनाते हैं। अजीब वो लगता है। चार लोग, पांच लोग बैठे हुए, छह उसमें से पांच शेर सुना देते हैं, मुझे लगता है मुशायरा हो रहा मुशायरा क्या हुआ, एक दूसरे को है बता रहे हैं कि अबे तू क्या जानता, मैं जानता हूँ सब। वो तो है ही सारा संस्कृति बिल्कुल में, जबरदस्ती फारसी को लेके। वो मेरा एक एंग्लो इंडियन ब्रदर इन लॉ होता है, बोलते कि कीड़े मकोड़े डाल दिए हमारे हाथ में, लिखा ही नहीं जाता। बोला अच्छा खासा लिखते थे। अब उर्दू कंपलसरी हो गई पाकिस्तान में। आप यकीन करिए, कराची शहर में उर्दू वॉज नॉट स्पोकन और रिटन, वहाँ गुजराती, कोकनी, पोर्चुगीज, इंग्लिश, ये मारवाड़ी, ये लोग रहते थे वहाँ। सडनली हर एक से कह रहे उर्दू बोलो। अरे उसने लिखी नहीं कभी, उसको को पढ़ता नहीं है। दो गुजराती डेली अखबार थे कराची में, दोनों ठप हो गए। ये आपके आए महाजिर जो यूपी से, उन्होंने कहा अरे इश्तिहार नहीं मिलेगा अगर उर्दू में नहीं हो, अब खत्म हो गया। सर, हम अगर भारत पाकिस्तान या ग्लोबली किसी भी देश की बात करें जहाँ पर मुसलमान है, ये हमें जो लव जिहाद या जो फोर्सफुल कन्वर्जन के जो केसेस हैं वो अक्सर सामने आते रहते हैं। चाहे हम यजीदी औरतों की बात करें, ISI में सेक्स स्लेवरी की बात करें, जी उसमें ग्रूमिंग है, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। और एक तरफ जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो इसको कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा वे आउट है जिससे हम जो ये प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है खासतौर से भारत में, और इस पर काफी बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है, तो किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए ताकि एक कोई सोल्यूशन निकाला जा सके? क्योंकि लड़कियां हर रोज इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि उनको मार दिया जाता है। अभी एक टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा, 24 दिसंबर को जी जिन्होंने सुसाइड किया, जी उसमें ये सामने आ रहा है कि उनका जो दोस्त था शेजान मोहम्मद, वो उनको इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स कर रहा था। आज ही उनकी माता ने वो किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कई सारे खुलासे किए कि उर्दू बोलने के लिए फोर्स कर रहा था, दरगाहों पे ले जाते थे, हिजाब पहनने लगी थी। आप क्या कहते हैं सर? मैं कहता हूं कि इंडिया की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये जितनी आंटियां किट्टी पार्टी कर रही हैं, इनको होश अभी नहीं आया। ये समझती कि ये तो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनके कोई देयर इज एरोगेंस इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया कि ये हमारा मसला ही नहीं है, कि टीवी डिबेट पे माइनॉरिटी। भी सर यही बोल रही हैं बीबी कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, हाँ, इसको आप ये गलत उसी जानते में रहे लगी हैं। हुई है, उसी में लगी हुई। इनके हस्बैंड्स की नौकरियां अच्छी होती हैं, 11 बजे जाके अपनी मेड के साथ रेस्टोरेंट्स में बैठती हैं, वहाँ किट्टी पार्टी होती है और बस आगे चलो, अमन की आशा, अमन की आशा। ओ खुदा का वास्ता, वहां तुम्हारे साथ हशर क्या हो रहा है? हिंदू बच्चियों को उठा उठा के जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है, किडनैप करके क्रिश्चियन लड़कियों को उठा के चाइना एज प्रोस्टिट्यूट भेजा जा रहा है, कुछ एहसास नहीं है। ये जब से 1990 के बाद सियासत लेफ्ट राइट से हट के ये LGBT, विमेन राइट, फलाना राइट, ये सब हो गया कि एनिमल राइट, ग्रीन इकोनॉमी, तो असल जो जंग है लड़ने की इंसानों की आज़ादी की, वो औरतों की इक्वालिटी है। कि जब तक औरत, और ये नहीं आंटी औरत,
मैं कह रहा हूँ जो काम करने वाली मिडिल क्लास वर्किंग क्लास औरत है, वो जब तक घर में उसका रोटी और खाना पकाने की जिम्मेदारी हट के हस्बैंड के पास 50-50 नहीं जाएगी, नहीं होगा। मैं तो पिछले कोई 6 महीने से अकेला अंडा फ्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई रियलाइज कि किसी मेरे दोस्त को खाना ही नहीं पकाना क्योंकि मर्द का काम ही नहीं है कि काम करे, वो तो बाहर से जाके करके लाता है और कमाता है, फिर कहता है जरा घर चाय बनाना बेगम, उस बेगम चाय लाती है, क्या ठंडी चाय ले आए, फेंक देता, फिर डांट पड़ती उसको। तो वी हैव नॉट रिस्पेक्टेड और रिकग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये पूरा एशिया हो, जहां जहां औरत इक्वालिटी की है वहां आप देखिएगा कि पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट हुई है। बांग्लादेश इज एन एग्जाम्पल, आपने औरतों को वर्किंग क्लास में फुल रिस्पेक्ट दी, उस साइकिलों पे काम पे फैक्ट्रियां जाती हैं, फैक्ट्री फ्लोर पे आपको मिलती मिडिल क्लास की औरत भी काम कर रही है, उन्होंने चेंज की अपनी सोसाइटी को। चाइना को देख लीजिए कि मेन एंड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इन अ वे के तू काम करेगा और तू खाना पकाएगी, ये कोई तरीका है सोसाइटी का, भाई नहीं खाना आता तो नहीं पकाओ, ना खाओ खाना, भूख हड़ताल करो या बाहर से ऑर्डर कर लो कुछ करना है। ये कैद जो किचन की है, ये इस पे हर हिंदुस्तानी मर्द को, खासतौर पे मुसलमान को 6 महीने की सजा होनी चाहिए, शादी के बाद वो सिर्फ खाना पकाए, चाय पिलाए। अच्छा सर, आपने 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने कल जो इंटरव्यू मैंने किया था जिसमें उन्होंने नमस्कार का बुरा लगा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम में शादी से पहले प्यार मोहब्बत करना जायज ही नहीं है, तो वो लोग जो ये प्यार मोहब्बत, बीबी खदीजा को प्यार नहीं आया था हजरत मोहम्मद से, उन्होंने प्रपोज किया था ना कि मुझसे शादी कर लो, मैं आई लव यू। इनकी तो हिम्मत नहीं हो सकती कि ये खुद 45-year-old बीबी से शादी करें। इस्लाम तो वाज सो लिबरेटिंग फॉर वुमेन, तभी तो लोग मुसलमान हुए ना, कि औरत को आजादी है, वो प्रपोज कर सकती है। कितना बड़ा, आप सोचिए, आज के आज तक ये नहीं हुआ, आज तक वेस्ट के अंदर भी मर्द प्रपोज करता, वहां आप मदीना में देखिए कि वो शी इज ट्वाइस डिवोर्स, उसने कहा मोहम्मद से कि आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, एंड ही वाज 15 इयर्स यंगर देन हर। तो हमें पहली शादी तो सुन्नत के हिसाब से हमें पहली शादी बेवा से करनी चाहिए। आप मुझे एक खलीफा बताइए, सुन्नत उन्हें याद है, चार शादियां वाली सुन्नत, वो वाली सुन्नत नहीं याद है। अरे वो तो चार कहां से, उस वक्त तक चार की हिम्मत भी नहीं होती, वो नहीं नहीं बोली सुन्नत, तो चार वाली सुन्नत याद है ना कि चार, हाँ वो याद रहती ना क्योंकि ख्वाबों में रहती है, क्योंकि इतना जहेज कहां से देंगे वो, और कहां से कौन आजकल चौथी शादी बनना चाहती। बल्कि मैंने सुना है चार चार बीवियां यहाँ कैनेडा में, बहन बना के लाए हुए कमीने। आई हैव मेनी सिस्टर्स, मान ही नहीं रहे कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को या क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके उनका कन्वर्जन करा रहे हैं या जो केसेस आ रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये तो हमेशा से किया है इन्होंने, मानने की तैयार, ये इस प्रूफ के लिए तैमूर नहीं बैठा हुआ क्या, औरंगजेब नहीं बैठा हुआ, शाहजहां नहीं बैठा, 13-13 साल की बच्चियों से बच्चे पैदा करके फिर उनका ताजमहल बनवा रहे हैं बाप। अरे बाप बंद किया हुआ जेल में, भाई के कत्ल किए हुए हैं, 13 साल की बच्ची को उसके हस्बैंड उस मर जाने के बाद उसकी बहन से शादी कर ली, कि यार ये भी वैसी ही होगी, देखने में तो अच्छी थी। अब आप सोचिए कि देर इज नो काउंटर स्टोरी टू दिस। आपको अगर ये गलत है तो आप पहले कहेंगे ना कि जो मुसलमान आए दंदन आते हुए या 20-20 हजार हिंदू लड़कियां उठा के दमिश्क में बेची, पहले तो उसको कंडेम करना पड़ेगा ना आपको। तो स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी के मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ मैस मर्डरर, उसमें आपकी आंटियां सारी आ जाएंगी, नो। अरे एक शख्स आता है सिंध से, लड़कियां 20,000 ले जाके बेच देता है, वो काबुल में कौन जगह है जहां 2-2 दिनार में बिकती थी इंडियन लड़कियां। एक मिनारा है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे, वहां पे मंडी लगती थी,
अच्छा है ये हिंदुस्तानी लड़की 2 दिनार में बिक रही है, कौन लेके आता था वहां? क्या जो हमला करता था वही लेके आता था ना, उसको माल गनीमत में मिलती है 5% उसको जो बच्चियां होती वो देनी होती स्टेट को, बाकी वो खुद लेके जाता है और फिर भेजता है काबुल में। यानी आप जिस हिस्ट्री से शर्मिंदा होना चाहिए उस पर जिक्र ही नहीं है आपको, वो टेंशन ही नहीं है। मुल्तान में आके जी वहां तो आपको पता है सोने का वो बुत थे तो हमने लूट लिए क्योंकि अल्लाह मियां ने कहा है कि बुत परस्ती हराम है। हाँ तुम्हें कहीं और गरीब शहर का बुत नहीं मिला, तुम्हें मुल्तान लूटना था जहां सोने के थे और कई 100 साल थ्रेट में रखा मुल्तान को कि अगर तुम लोगों ने माल नहीं दिया तो हम तुम्हारे टेम्पल तोड़ देंगे। तो ये वो लोग जो ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे वो इस्लाम के लीडर बन के आए, यहाँ महमूद गजनवी हैं या गौरी हैं ये सब, ये क्या वो आए थे PhD करके आए थे हार्वर्ड से, पता ही नहीं था लिखाई कैसे होती है। आज के जो मॉडर्न मुसलमान लड़के हैं वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्यों एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि मॉडर्न है वो दूसरी लड़की को पहले तो पसंद करता है? कोई मॉडर्न नहीं है, जो पॉलीगैमी में बिलीव करता है वो कहां से मॉडर्न हो गया? जो ये बिलीव करता है कि बीबी की उम्र आपसे 10 साल कम होनी चाहिए, भैया एकदम कच्ची होनी चाहिए, ये लैंग्वेज आप इनकी सुने तो आप कहेंगे कि जानवर कहां से छूट के आ गए ये लोग। बहन के लिए अलग कानून और बीवी के लिए अलग कानून। वो ही शख्स जो बहन के राइट्स की बात कर रहा होता है वो अपनी बीवी की ऐसी तैसी कर देता। तो ये सब वो माँ के पैर के नीचे जन्नत, माँ के पैर के नीचे जन्नत, अरे बीवी के पैर के नीचे भी कहीं ढूंढ लो कोई जगह थोड़ी सी ताकि उससे उसकी बात सुन लो। बाय द टाइम माँ मरती है सास खत्म होती है तो बीवी बेचारी वैसी 45-50 की हो चुकी होती है, कभी दूर फिटे मुँह अब मैं क्या, यू नो कोई सेंस नहीं है, कोई इक्विवेलेंस नहीं है। पहले यही बचती रहती पिटना जाऊं, दुनिया भर की दुल्हन हंसते हुए जाती, मुसलमान इंडिया पाकिस्तान की दुल्हन रोते हुए जाती क्यों? अभी यूपी के बुलंदशहर का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे जामा मस्जिद के आगे खड़े हुए मौलाना इमाम साहब ऐलान कर रहे थे कि कोई भी मुसलमान जो अपनी शादी में आतिशबाजी ढोलक ताशा और गाजा बाजा करेगा और डीजे बुलाएगा म्यूजिक चलाएगा उसका निकाह पढ़ाने के लिए कोई मौलवी नहीं आएगा। अच्छा उससे कहना कि मौलवी का कोई रोल ही नहीं है शादी में, ये एक तो मुसलमानों को नहीं पता है। डू यू नो दैट देयर इज नो थर्ड पार्टी इन इस्लामिक वेडिंग, यू एंड योर हस्बैंड और योर वाइफ, मैन एंड अ वुमन हैव टू डिक्लेयर टू ईच अदर दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दैट्स इट। ये कहां से आ गए बदसूरत लोग, कौन लाता है इनको? अजीब जैसे गला साफ कर रहे हैं भारी आवाज में कुछ कह देते हैं, लोग कहते हैं अच्छा दुआ करिए, वाह 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 आज से तुम मियां बीवी हो, तुम इसकी इसके लिए पराठे बनाओगी सुबह उठ के 5 बजे क्योंकि फजर की नमाज होती है 4 बजे। अरे भैया उसके जान छोड़ दो, उसे जिंदा रहने दो, अपनी बेटियों को के लिए लड़ते रहते हो, किसी की बहू के लिए भी तो लड़ो ना कभी। बट द वुमेन आर विद देम, मौलवियों की सबसे बड़ी डिफेंडर जो है वो आप हिंदुस्तान की औरतें हैं। जी बिल्कुल सर आपने सही कहा, और ऐसी औरतों से मैं बहुत सारी ऐसी औरतों से मिली हूं जो कि पॉलीगैमी को जस्टिफाई करती हैं, तलाक को जस्टिफाई करते हैं, हलाला और इन तरह की चीजों को कहती हैं, ये तो ये सारी चीजें इस्लाम का शरीयत का हिस्सा है, आप इसको कैसे बोले कहा करें, किसने लिखा ये शरीयत में? शरीयत आपके 200 साल बाद लिखी गई, कुछ नहीं था, ना कागज है ना स्याही है ना पेन है, था ही नहीं कुछ। वहाँ सवाल ये कि जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के टारगेट कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के इरादे से, हिंदू लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं आप? हिंदू लड़कियों को कहना चाहते हैं पहले उसको छूटते ही थप्पड़ मार दो, जैसे वो बात करे ना कि भाई कब मुसलमान होगी, उसी दिन गंदा मोजा डाल के जूते में रख के चपट करके उस पर चली जाओ, बिकॉज योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी डार्क। एनीवन हु थिंक्स कि रिलीजन शुड बी द बेसिस of a romantic association between a man and a woman or a husband and a wife, uska koi connection hi nahi hai bhai।
वो आपका भगवान हो, अल्लाह हो, कहाँ हो, कहाँ से आप पड़ गए इस चक्कर में? वो कह रहा है घोड़ा उड़ता है, वो कह रहे नहीं बंदर उड़ के जाता है। ये कुछ टेंशन लेने वाली बात है? पोस्ट रिलीजियस सोसाइटीज हैं, आगे बढ़ना है आपको। रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, वेदर योर हस्बैंड और वाइफ। कभी आप एक दूसरे पे प्रेशर नहीं डालेंगे क्या? एंड वाइड शुड इट मैटर कि वो मुसलमान हो? जी बिल्कुल, लेकिन सोसाइटी और लोग जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वो तो प्रेशर बनाते हैं आपकी शादी हराम, आपके बच्चे हराम, आपका रिश्ता हराम। बोले हराम, हमें हराम ही बड़े पसंद है। बोले हम दिल लगा के 5,000 साल से हिंदुस्तान हिंदू सनातन धर्म में, आप 1400 साल बाद आए और 800 साल से आप यहाँ मौजूद हैं, आपको अभी तक शर्म नहीं आई कि जिसके घर में आए हैं उससे थोड़ा अदब से बात कर लीजिए? अभी वक्फ बोर्ड ने एक ऐसी जगह पे कब्जा किया है जो 1500 साल पुरानी है, इस्लाम से 100 साल पहले की जगह तमिलनाडु में कब्जा कर लिया। वक्फ बोर्ड जिसको चाहे उठा के कर ले। तो जो हिंदू सोसाइटी है इंडिया में वो डिफेंसिव पे रही है थ्रू आउट। आप देखिए कि वेदर इट इज चंद्रगुप्ता मौर्य जिनके बाद इस्लाम पैदा हुआ, यानी 8th century की बात है, कोई हिंदुस्तान ने कभी हमला नहीं किया चीन पे या ईरान पे या किसी ने भी नहीं किया, कहीं नहीं किया, पूरा इंडोनेशिया हिंदू था। अपनी बात से, अपने किरदार से लोग मुसलमान होते गए, ये हिंदू हो गए। एंड ऑल ऑफ इंडोनेशिया, कैम्बोडिया का जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्शिपिंग वो जो है वो तो कैम्बोडिया में, और वहाँ हिंदू पॉपुलेशन तो नहीं है लेकिन हिंदू टेम्पल तो है ना। हिंदुओं ने ये किया कि अरे हम जाएंगे तो मरते हुए जाएंगे, ये कर उन्होंने कहा भैया लोग चेंज हो रहे हैं, बुद्धिस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है भैया बुद्धिस्ट हो जाए। आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि हिंदुओं के अंदर फौज निकली कह साहब ये कहाँ से आ गए मलाबार के अंदर यमन के लोग, बल्कि खिलाफत मूवमेंट चली यमन केरला के अंदर। सब थक के हार गए, तुर्कों ने कहा नहीं चाहिए, सारे लेफ्ट के लोग मिलके मुसलमानों के साथ, केरला वाज द बेस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। ये जन्नत थी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान, उसको दोजख बनाने पे तुले। सर आज भी है जन्नत हिंदुस्तान, सॉरी आज भी है हिंदुस्तान जन्नत। मैं वही तो कह रहा हूँ, जन्नत है मुसलमान भाई, एक कंट्री है जहाँ वोट दे सकती हैं आप जी, जहाँ पर हम खुल के अपनी बात रख सकते हैं। हाँ? और डेवलप्ड कंट्रीज को तो छोड़ दें आप, डेवलपिंग वर्ल्ड में देयर इज, एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में you can have a president who is a Muslim, you can have opposition leaders, you have scientists, you aapka nuclear pura ek musliman bana ke chala gaya ji, koi kisi ko nahi kehta, Rizvi sahab ko koi kehta hai, Mukhtar Rizvi ko kya, tu kya kar raha hai yahan pe, hai na, professors hain, vice chancellors hain ji, bilkul har field mein Muftin Ali Ahmed sahab the, you know, इंडिया के मुसलमानों को एक अच्छी चीज मिले और वो उसमें कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहे। तो अगर मैं हिंदू होता तो मैं कहता यार तुम्हें क्या, तुम्हें चाहिए क्या भाई, ना तुम सोमालिया में खुश हो, ना अफगानिस्तान में, ना ईरान में, ना तुर्की में, तुम्हें सर ये बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में बहुत टाइम से और इस पे मैं अक्सर डिस्कस करती रहती हूँ, मुसलमान आखिर कहीं भी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिंदगी समझता है मौत के बाद आती है, they do not believe this is life। पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिर वहां पे जाके उसके पाकिस्तान वाला दंगा करेंगे। हाँ, और वहां बच्चियों को रेप भी वही कर रहे हैं और फिर उसके बाद मुसलमान भी कर रहे हैं, मजे की बात देखिए, चारे भी बन जाते हैं, हमारे पर जुल्म हो रहा है। हाँ, अब वो ही गैंग जो नॉर्दर्न के अंदर लड़कियों को अगवा करके रेप कर रही है, फिर उनको दूसरे दिन कहती है सिस्टर यू वांट टू बी मुस्लिम, यू हैव ओनली हैव टू रीड दिस एंड यू विल बी मुस्लिम, देन आई विल डू ठुकाई टू यू। मतलब दुनिया वाकई देख रही है, कहते इस्लामोफोबिया, अरे मेरे पड़ोसी नहीं डरेंगे कि ये क्या हो क्या रहा है, आके पूछते हैं, खुदा की कसम आके घर पे पूछते हैं कि वो क्या रहा था, सर व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डू यू गाइस वांट। ये मुद्दा ऐसा है कि हम अगर इस पे बात करते रहे तो शायद बात ही करते रहेंगे, लेकिन करनी चाहिए आपकी बात, देखिए आप
आपकी बात गुफ्तगू जाया कभी नहीं जाती। नहीं, वो तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं सर, आप इतना टाइम दे रहे हैं और नहीं नहीं ये करना चाहिए, आप नेक काम कर रही हैं, क्योंकि ये जमीन जो है ये मुसलमानों के लिए इससे अच्छी जगह कभी पैदा नहीं हुई। रसूलुल्लाह ने कहा था मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है जी, अमन की ठंड। ये हदीस कभी नहीं सुनाएगा कोई आपको। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर नया साल मुबारक। आपको परेशान करूंगी बिल्कुल, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप अच्छे रहें, आप और नरगिस आंटी दोनों हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।